बोनिफेसियो हाई स्ट्रीट पर। तो आज हम लोग सुबह आए हैं साइकिलिंग करने के लिए। ये देखो मेरी बेटी अमायरा, अमायरा आज छोटी साइकिलिंग नहीं की, अमायरा आज मम्मी के साथ इस साइकिल में बैठी है। और सुबह के टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा खुला खुला जगह है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे साइकिलिंग करते हुए। और मैंने सोचा था कि मैं आज ब्लॉग नहीं करूँगी, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और इतना अच्छा समा है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग का शुरुआत कर ही देते हैं दोस्तों। ये सुप्रियो का टर्न अमायरा को लेकर, अमायरा तो बिंदास है बिल्कुल, उसको बहुत मस्ती आई है। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, तो हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा धूप होगा, लेकिन इतना ज़्यादा धूप नहीं है, मौसम बहुत ही अच्छा है। और आज बहुत, सच में बहुत मज़ा आया, बहुत दिन बाद हम कर रहे हैं ऐसे साइकिलिंग। और बिल्कुल उस दिन तो टाइम नहीं मिला था और अंधेरा भी था पूरा, जगह का हम मज़ा नहीं उठा पाए थे, लेकिन आज तो बहुत मज़ा आया। ये देखो आ रहे हैं, ये सेक्शन नया खुला है, यहाँ पर पहले नहीं था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। और ये है इस साइड का एरिया जो कि हम हमेशा शाम के टाइम में आते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो आटा मिल रहा है, इसको यहाँ पे भी लोग आटा ही बोलते हैं। और यहाँ पे सारे सब्जियाँ भी मिल रहा है, और मुझे लाइम चाहिए था तो मुझे यहाँ से छोटा छोटा लाइम मिल गया है। मैंने यहाँ पे कुछ लाइम वेट किया है और अभी मैं सुप्रियो का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे फिर इसको पैसे दे के हम लेंगे। यहाँ पर देखो रॉ मैंगो भी यहाँ पर मिल रहा है, जो कि है मैंने दो लिया है तो 20 रुपया हुआ है इसका, मतलब 20 पैसे हुआ है इसका। तो ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे, ये पहले 180 पैसो किलो बता रहे थे लाइम का, लेकिन इन्होंने हेल्प किया, इन्होंने कहा कि नहीं 150 करके होता है। तो शुक्रिया आ गया है पैसा मिटाने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा सब्जी का एक स्टॉल लगता है, यहाँ से हमने वाटर मेलन लिया है और बीट लिया है, ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। ये स्पिनच भी लिया है, ये फ्रेंच बीन है, चेरी टोमेटो है। यहाँ पे जो खीरा है ना, ये दो टाइप्स का मिलता है, ये एक टाइप का जो खीरा है इसके अंदर बीज होता है, ये 150 पैसो किलो है, ये है 200 पैसो किलो, इसके अंदर बीज नहीं होता है। तो अभी वापस जा रहे हैं घर, जाकर जल्दी जल्दी काम निपटाना होगा, क्योंकि अमायरा का डॉक्टर का मुझे साथ नहीं लिया जा रहा है। मास्क लगाकर बहुत ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम होता है। तो अभी बज रहा है 1:15, जल्दी से घर जाऊंगी, अमायरा का लंच करवाऊंगी, उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे, हम भी लंच करेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद रेडी हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद अमायरा को लेकर हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। और डॉक्टर कुछ नहीं, बस रूटीन चेकअप है अमायरा को। और देखो कितना अच्छा वेदर हो गया,
तो रूटीन चेकअप है, तो डॉक्टर ने कहा है कि 3 बजे वो बैठेंगे और पता नहीं हमारा नंबर आते आते कितना टाइम हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम हाथ में रख के आने के लिए कहा है, ल्यूब्स में जाएंगे। तो फिर उसको डॉक्टर दिखा के फिर अगर ये जगी रहेगी तो कहीं घूमने चलेंगे, अगर नहीं जागी रहेंगी तो घर चले आएंगे दोस्तों। हम लोग बहुत पहले आ गए हैं, अभी बज रहा है 2:45। अभी हम जाएंगे रेडी होने के लिए। अमारा को मैं खाना खिला दिया है, 1 बजे उसको खाना खिलाने बैठी थी, 2:30 बजे तक वो खाना खाई। अभी उसका पॉटी क्लियर किया जा रहा है, उसका पापा कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ और ये सारे कपड़े जो है अभी के अभी धोए हैं, तो अभी के अभी टांगे भी है। लेकिन ये देखो यहाँ पे बारिश आने वाला है। एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये सामने जो है ये एस्कॉट होटल है और यहाँ की ये जो सामने है पूल एरिया, इस पूल एरिया में हर रोज़ ना जाने कितने विदेशी यहाँ पर स्विम करने आते हैं। कभी मैं यहाँ पर जैसे बालकनी में कपड़े टांगने आती हूँ, कभी भी किसी ने इस तरफ नहीं देखा, ना इस तरफ देखकर कोई भी इशारा किया या कुछ भी। एक दिन बस मैं यहाँ पर एक अमारा को लेकर यहाँ पर थी, अमारा खेल रही थी, तो एक दिन एक शायद ब्रिटिश वूमेन होगी, तो वो बस वहाँ से हाथ हिला रही थी, मुझे हाई कर रही थी और वो अमारा को क्यूट बता रही थी, उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। सो मैंने भी उसको ग्रीट किया था, बस एक दिन का वही इंसिडेंट था, बाकी इतने दिन हुआ है कभी नहीं आए हैं। अभी स्विमिंग पूल में आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकती, शायद इस साइड में नहीं उस साइड में, देखिए 2 इंडियंस यहाँ पर स्विम कर रहे हैं, फेस देखकर ही पता चलता है कि दे आर इंडियंस, वहाँ से कंटिन्यू देख रहे हैं और कंटिन्यू ना जाने कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो मैं कुछ ब्लॉग में कहना नहीं चाहती, बस आप लोग समझ लीजिए इंसान को मतलब क्या बताए इंडियंस के बारे में, क्या बताए, कुछ बोलने में भी शर्म आती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, विदेश में आए हो, यहाँ काम करने आए हो या फिर घूमने आए हो, आराम से रहो, ये सब करने से क्या फ़ायदा पता नहीं। एनीवे चलो बातें को नहीं बढ़ाते हैं, अभी 2:45 बज चुका है, मुझे अभी रेडी होना होगा, हमारा को भी रेडी करना होगा और फिर हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। तो रेडी तो हम लोग हो चुके हैं, लेकिन अभी डॉक्टर का जो असिस्टेंट है उनका कॉल आए थे, तो वो बता रही है कि 5 बजे होगा डॉक्टर का चेकअप, तो हमारा 5 बजे निकला है, तो हमें 3:30 बजे पहले बोला था, हम रेडी हो चुके हैं। अभी 3:30 बजा भी नहीं है, अभी 3:25 हुए हैं, लेकिन अभी क्या करें, अभी हमारा को सुलाया भी नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको भी रेडी कर दिया है, मैंने सोच रही हूँ कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ, अगर ये सोने के लिए राज़ी हो गया है तो। गाइज अभी 5:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर का कॉल नहीं आया था, सुप्रियो ने कॉल किया था, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ आ जाओ अभी, और 4-5 पेशेंट बाकी है, तो मैंने चाय पी लिया है घर में और अभी मैं जा रही हूँ, और अमायरा को लेकर सुप्रियो जा रहे हैं, अमायरा सो गई थी तो इसीलिए उसको उठा के लेके जाना पड़ रहा है, तो चलो डॉक्टर के पास चल के देखते हैं। सुबह आई थी हाई स्ट्रीट, कैसे लग रहा था दिखने में, और अभी देखो शाम के टाइम है, हाई स्ट्रीट सजने लग गया है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। और एक सीक्रेट की बात बताओ, फिलिपिनो बॉयज़ की आईज बहुत क्यूट होता है यार, क्योंकि मैं कभी भी वीडियो बनाती हूँ और कोई भी लड़का अगर मेरे वीडियो के सामने आ जाता है तो उसका आईज देखते रह जाती हूँ, सच में बहुत क्यूट होता है। सो ये सामने जो लेफ्ट में दिखाई दे रहा है ये बिल्डिंग है सेंट ल्यूक्स, और अमाना मेरा हाथ पकड़ी रखी है इसीलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, ये वाला बिल्डिंग है सेंट ल्यूक्स का।
ये है हॉस्पिटल की कैफेटेरिया, इसमें स्टारबक्स कॉफी है और ऊपर फूड कोर्ट भी है। सुंदर है ना दोस्तों, किसी मॉल से कम नहीं है हॉस्पिटल। और यहाँ पर है हमारे यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा एक बेकरी है। और ये सिटिंग एरिया तो बहुत ही सुंदर है सुप्रियो, कोई कह सकता है कि ये हॉस्पिटल की कैफेटेरिया है जहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है, फ्रेश फ्रूट भी मिल रहा है। तो रास्ते में ये शॉप मिल गया था, ये कौन सा शॉप है पता नहीं, 7-Eleven नहीं है हा? तो यहाँ पे हम लोग आए थे हमारा को लेकर, यहाँ पे मैंने उसको योगर्ट खिलाया, जो ग्रीक योगर्ट होता है ना वो। अभी घर जाऊंगी, फिर से चेंज करूंगी, फिर हमारा को खिलाऊंगी, उसके बाद फिर से बाहर निकलूंगी। इससे अच्छा है कि बाहर ही कुछ खिला देते हैं। मैंने बोला था सुप्रिया को कि आते वक्त कुछ हमारा का टिफिन जो है वो लेके आते हैं, लेकिन सुप्रिया ने मना किया कि नहीं, जगह नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पे ये देखो, सो देखो दोस्तों चारों ओर रेस्टोरेंट है और सब टेबल लगा के बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। सो मैं तो कहूँगी ये स्माइल्स का शहर नहीं है, ये रेस्टोरेंट का शहर है। ओह माय गॉड, मुझे डर डर के ब्लॉक करना पड़ा है क्योंकि पीछे डॉगीज है। सो अभी हम लोग आ गए हैं वन स्ट्रीट हाई स्ट्रीट बोनिफेसियो मॉल पे। सो दोस्तों हम यहाँ अभी कश्मीर रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हैं। यहाँ से सुप्रियो का मन किया है कबाब खाने का, तो कबाब के लिए ऑर्डर किया है, हम टेक अवे करेंगे। तो घर में चावल है बना हुआ, कबाब ले जाएंगे तो हो जाएगा हम दोनों का डिनर। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे वेटिंग एरिया है जहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ। और अभी सुप्रियो गया है अगर एक फर्नीचर का शॉप है, बहुत अच्छा डायमेंशन वहाँ पर, और अमायरा हमेशा की तरह मुझे डिस्टर्ब करते हुए। तो दोस्तों चलो इस ब्लॉग को और लंबा नहीं खींचते हैं, ये ब्लॉग सुबह से शुरू हुआ है और अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और हम लोग अभी घर जाएंगे यहाँ से कबाब लेके। तो चलो दोस्तों इस ब्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे ब्लॉग में तो जाने से पहले लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन वर्क करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। टाटा। हमारा को अपना घर पता है और ये अपना घर में एंट्री ले लिया।